गाइज आज है 10 तारीख और आज पूजा का लास्ट डे है और आज तीसरे दिन भी बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, तो वैसे पूजा स्टार्ट हो जानी चाहिए थी बट अभी हम लोग थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे का नज़ारा जिस तरह से है अभी, तो भी देख सकते हैं बारिश हो रही है और अभी एक दो गांव हैं जहाँ पे यू नो बर्फ़ पड़ी है जिस तरफ, थोड़ा ऊंचाई की तरफ में बर्फ़ पड़ी है और इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे बादल वगैरह कितने नीचे तक आ रखे हैं, वहाँ आगे ऊपर की तरफ वहाँ पे पीछे जो पहाड़ हैं इनके यहाँ पे वहाँ पे बारिश पड़ी, वहाँ पे बारिश बर्फ़ गिरी हुई है। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जो पूजा हुई थी उसमें हमारे यहाँ पहाड़ों में जो उत्तराखंड है हिमाचल है वहाँ पे जब भी पूजा होती है तो काफ़ी सारे देवी देवता जो होते हैं वो नाचते हैं किसी ना किसी शख्स पर, तो जो ढोल वाले थे वो मैंने आपको दिखाया था, तो उसी वक्त देवी देवता आते हैं और उस चीज़ को वीडियो रिकॉर्डिंग में या फिर फ़ोटो खींचना वो अलाउड नहीं होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है और इस वहाँ पर इस वजह से मैंने नहीं करी उसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन वो हमने उससे पहले की जो पूजा थी वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है, हम वो जो पूजा का हिस्सा है वो हम आपको मैंने आपको ज़रूर दिखाया है, आपने देखा होगा शुरू में, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हमने आप वीडियो कॉलिंग करके किसी को दिखा सकते हैं लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसकी। गाइस आज पूजा का थर्ड डे और हम यहाँ पे एक और सेरेमनी के लिए आए हैं, एक और रिचुअल जो होता है। सो जो फर्स्ट स्टेप था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, तो वो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई है बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो गया था अपने कैमरा को लेकर चक्कर में एंड तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। सो दूसरा जो पड़ाव है उसके मैंने वीडियो बनाई है। चलो आपको वो अगर दिख रहा होगा यहाँ पे वो लोग जा रहे हैं येलो में, वो एक बार वो सेकंड पड़ाव है इसका, बाकी यहाँ पे भी एक लड़का है। यहाँ से आपको आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अब बीच में बादल आ गए हैं, अदरवाइज वो वहाँ पे एक पहाड़ था जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई है, दिख नहीं रहा ना गाइस, अब आप देखते हो चलो ये रास्ता कितना ज़्यादा आड़ा टेढ़ा है और जो नीचे वाला रास्ता था वो इससे भी ज़्यादा खड़ा रास्ता था। देख सकते हो खड़ी चढ़ाई, आप लोग को मेरी सांस की आवाज़ आ रही होगी शायद से, सारे हम लोग भाई बहन चाचा भतीजा जितने भी हैं हम सब यहाँ पे पूजा के लाए थे और यहाँ बलि दी गई थी तो उसका मैंने वीडियो को नहीं दिखाया है। गाइस अब हम उस रास्ते की तरफ चल रहे हैं जो उस समय मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, तो ये साथ में आपको पता भी चलता जाएगा, पीछे देखिए कितना प्यारा व्यू है, देख सकते हैं हाइट भी आप देख सकते हैं कितनी नीचे की तरफ है। मैं इसको टर्न करूँगा नीचे की तरफ, आई डोंट नो। हाय गाइस आज हमारा गांव में पांचवा दिन है, आज है 11 तारीख और आज हमारा जो बरसी थी वो हो चुकी है पूरी, हमारे जो ताऊजी की थी हमारा जो 3 दिन की पूजा थी वो हो चुकी है और आज हम जाएंगे पैठाणी जहाँ पे राहु का मंदिर है और गुमखाल, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से थोड़ा सा आगे बर्फ़ पड़ी हुई है तो हम उस जगह पे भी जाएंगे। मैं और मेरा जो कज़न है जिसने भी कैमरा पकड़ रखा है हम दोनों ऊपर आ चुके हैं, गाड़ी पीछे खड़ी है और अभी मेरे मम्मी पापा और जो बुआ जी हैं वो ऊपर आ रहे हैं तो हम उनका वेट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे अपना सफ़र उसके बाद में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा और थोड़ा थोड़ा आपको अपडेट देता रहूंगा, जहाँ पे राहु का मंदिर है उसके बारे में कुछ बताऊंगा, जो गुमखाल में मंदिर है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, तो उसी तरह से हमारा सफ़र जारी रहेगा, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगा फिर। और दोस्तों हम यहाँ मंदिर में पहुँच चुके हैं कालिका मंदिर में और यहाँ पे हम चलते जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है ये वैसे तो। तो गाइस जब हम कालिका मंदिर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ये वाला काली मंदिर पड़ता है सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको अगर किसी की मन्नत पूरी होती है तो आपने देखा होगा मैंने फ़ोटो में कि चांदी की छत्तर है वो आप चढ़ाते हैं, तो पहले यहीं पे आप यू नो पूजा वगैरह करके
और माथा टेक के फिर आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, तो हम आपको फिर वहीं मिलेंगे। बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं, बट थोड़ा बहुत वीडियो के लिए मैं पीछे रहा हूँ, तो मुझे कोई वो नहीं है इस चीज़ का, वो सब ऑब्वियसली रुकेंगे। एंड नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो हमारा प्लान इस तरह से है, पहले ये वाला मंदिर, अब इसके बाद में हम लोग फिर पठानी जाएंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे, वहाँ पे राहु का मंदिर है। देखिए आप देखेगा, देख सकते हैं पूरा सीधा सीधा है, अभी सीधा रास्ता है, पर हमें देखना पड़ेगा कि ये आगे कितने लेवल तक सीधा रहेगा, शायद थोड़ी चढ़ाई भी आएगी। और गाइस ये देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये आपका कलिंगा मंदिर जो है वो मेरे अभी मैंने जैसे एक वीडियो कॉल वगैरह किया था अपने कज़न्स वगैरह से, अपनी चाची वगैरह के साथ में, ताकि वो लोग भी देख सकें, दर्शन कर सकें, दोबारा करूँगा उनको। और यहाँ पहले नज़ारा दिखाया था मैं आपको, ये देखिए नज़ारा इतना प्यारा है। अब वो आपको जो दिख रहा होगा वहाँ पे त्रिशूल, वो मंदिर है। जय माता कालिंका। गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक और मंदिर है, वहाँ पे उसके हमने जूते वहीं पे उतारे थे, उसके बाद में हम पीछे गए थे, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। मेरी बुआ जी और सब पहले आ चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी मंदिर जाके आ चुके हैं। ये मेरी बुआ जी हैं, मंजू बुआ, कल ही इनका हमने 16 जन्मदिन मनाया है। बुड्ढा का लड़का कहाँ भाग रहा ये मेरी मम्मी है और ये मेरी नागी भैया है और ये मेरे पापा हैं। कौन है वो? और ये मेरे चाचा जी हैं। गाइस उत्तराखंड की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवता हैं, काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, लोग मन्नत मांगते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो भी मंदिर होते हैं ऊंचाई पे होते हैं उसके आसपास का नज़ारा कितना सुंदर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मुझे नहीं पता कि ये मंदिर की ऊँचाई कितनी है, बट आप देख सकते हैं, चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारा है। और पीछे जो है वही मंदिर था जहाँ पे हम थे अभी, कालिंका देवी का जो मूर्ति थी, बस वो दूर आप देख सकते हैं उन पहाड़ों में पूरा बर्फ गिरी हुई है। एंड उस एरिया के आसपास में भी मैंने सुना है, जो मैंने बताया था आपको सोनका, मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ जाऊँ। तो वैस यहाँ पे कालिंका मंदिर में हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं, इसके बाद जो हमारा हमें नेक्स्ट दर्शन करना है वो है हमारा पठानी का राहु मंदिर, तो वहाँ पे हम आपको डायरेक्टली मिलेंगे इसके बाद में। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से चलते हैं, मेरे सारे परिवार वाले आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, तो मुझे निकलना होगा जल्दी। तो गाइस हम यहाँ पे राहु मंदिर के यहाँ पे पठानी में पहुँच चुके हैं, मैं आपको अभी रास्ता दिखा देता हूँ इस तरफ का, आपको दूर से मैं आपको एक बार राहु मंदिर भी दिखा दूंगा।
और देखिए जैसे हम यहाँ पे पैठाणी में आते हैं, यहाँ पे राहु का मंदिर जो है इसके पास में मैं आपको वीडियो में भी दिखाया था, अभी यहाँ पे देखिए पास से ये नदी बह रही है और इस नदी के बीच में ही आपको वीडियो क्लास में आपको दिखाई देगा एक जो बड़ा सा पत्थर है जिसको राहु का पत्थर कहते हैं, वो इस नदी के बीच में ही है जिसमें 3 बार जल चढ़ाया जाता है। ये है राहु का मंदिर और ये दुनिया का इकलौता राहु का मंदिर है जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पैठाणी गांव है वहाँ पे है। और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उसमें से उसकी एक बूंद राहु ने पी ली थी जिसकी वजह से विष्णु जी ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया था और उसका जो सर था वो यहाँ पे आके गिरा था। वो सर की जो जिस तरह से है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो राहु का पत्थर वो जो है उसी को राहु का पत्थर कहते हैं। और शंकराचार्य जी बाद में जब एक बार आए थे तो उनको यहाँ पे राहु का काफी ज्यादा प्रभाव दिखा था और उसी को प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक ये इस मंदिर की स्थापना की गई थी जिसमें शिवलिंग है और देश विदेश से लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो जो पहले जो राहु का पत्थर है उसमें 3 बार जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद में एक लोटा जल जो है वो यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है और यहाँ पे जो पेड़ है उसके यहाँ पे जो तेल वगैरह चढ़ाया जाता है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।